को साथियों, हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि यहाँ का जो बाबा जी जो तप रहे हैं वो कितने दिन से तप रहे हैं और कितने दिन का और तप इनका अभी बाकी है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? ठीक मौज में। कौन सा गाँव है जी? अमीरवास है जी मेरा, यहाँ से अमीरवास। जी जी। तो ये बाबा जी कितने दिन से तप रहे हैं यहाँ पे? 15 तारीख से तप रहे हैं जी लगातार। 15 से? और कितने दिन का तप रह गया? इनका 41 दिन का तप है, आज 22 दिन हो रहे हैं। अच्छा, 22 दिन और रह गए। तो ये जो फेरी लगा रहे हैं, इसका क्या मकसद है यहाँ पे? फेरी भाई महाराज जी के उसमें आस्था में आराम लगता है क्या यहाँ पे जो फेरी लगाते हैं? हाँ, उनको बहुत आराम होता है, घुटनों का दर्द है पर न महाराज जी किसी। बिल्कुल साथियों, देखो अंकल जी बता रहे हैं यहाँ ऐसा कोई दारू वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। ये देखो 1008 दूने हैं, कोई 8 या 18 या 108 नहीं है बल्कि 1008 है। और इस धूप में मतलब किसी हमारे जैसे इंसान का 10 मिनट अगर धूप में खड़ा हो जाता है ना तो बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके बीच में बाबा जी तप रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी साथियों से कहूँगा कि यहाँ पे जो मात्र शक्ति जो भाई साहब जो फेरी लगा रहे हैं ना, सभी लोग यहाँ पे फेरी लगाने से क्या होता है, धर्म होता है, ये गाँव वालों कहना है। नमस्कार अंकल जी। धर्म हो भाई तो जी, कितने गुस्से का धुना है ये जो? या 1008 धुना है रोज? नहीं, एक धुने में कितने गुस्से हैं? एक धुने में आज है 29 29 गुस्से, कल 30 हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर रोज ना 51 गुस्सा हो जाए। तो ये जो लेके आ रहे कहाँ से लेके आ रहे? ये सब तो गांव में बताऊं से जीने से गांव वाले आसपास के गांव वाले सहयोग कर रहे हैं। 5 दिनों से आ रहे हैं जी, आज दाढ़ी पे भी आया है, न्यू पॉप रोड ट्रैक्टर पे लगे रहे हैं और भाई सबको याद है, फरियाद है भाई ट्रैक्टर पर हर गांव से 10 ट्रैक्टर ले आओ। गोष्ठी कर साथ ये जो हमारा नदी का साथी है ना, वो भाई उनसे यह रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पर गुस्से पहुँचाया जाए ताकि ये जो तप है ये पूरा हो सके। सभी भाइयों से निवेदन है और यहाँ पर जितने भी भाई जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई अधिक से अधिक, क्योंकि ये ऐसा दामा हमने पहले नहीं देखा भाई। ये जो मंदिर बता रहे, मंदिर बन रहा है, मंदिर बहुत बड़ा है, आप उसकी फोटो लियो। दो मंदिर से मतलब ये सामने दिख रहा है क्या? ये नहीं, वो दिखाई दे रहा है, शिलिया दिख रही है, शिलिया कुछ कर, ये क्रॉस फोटो का अलग है। तो यहाँ पे पीछे मैंने एक वीडियो देखा था दूसरे चैनल पे, और राजेश फरटिया से आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ दिया है आपको? उन दे दिया भाई 5 लाख एकर, 5 एकर एक गड्डी अमूल है। ये दो दिन को घोषणा करेगा और तो कम से कम भी इसमें 5-6 लाख रुपया और भंडारा लाख 21 लाख 25 तारीख वो भंडारा उसको है और दो दिन की गोष्ठी, दो दिन का घोषणा करेगा, तो दो दिन का घोषणा करेगा घाटे घाटे 8-7 लाख का, 4 लाख के क्यों साथियों अंकल जी बता रहे हैं कि 4 लाख के तो गोसे लगेंगे यहाँ पे। और भंडारा 25 तारीख का, जिस भाई को आना हो यहाँ पे भंडारे में पहुंचे और बाबा जी के दर्शन करे और यहाँ पर महिमा थटे के फेरी लगाए तो आपको अवश्य आराम होगा। दुख दर्द और हम बात करते हैं, कौन सा काम अंकल जी आपका? काम बड़दू दिर्जा। बड़दू दिर्जा, अच्छा बड़दू कही है अपने पहले से मंदिर में रहते, मतलब 9 महीने 22 अगस्त को है वो मंदिर बना है, 9 महीने हो गए। एक आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक अपील है जी, बताओ। एक मोबाइल नंबर 96-719-7733, जो भाई गुस्सा साथियों 96-719-7733 मोबाइल नंबर नोट कर लो, नोट करो, ये अपील है जी, जो भाई गुस्से देना चाहे इस नंबर पे संपर्क कर, हम जो फ्री में देना चाहे वो उठा भी लेंगे और जो पैसे में दे उसको पैसे भी देंगे। साथियों देखो धर्म का काम है ये, यहाँ पे गुस्से जब थोड़े थोड़े करके सब लोग सहयोग करेंगे ना तो कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है जो तपस्या जो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई झाड़ा वगैरह जो लगाया जाता है उसमें आराम होता है? नहीं, झाड़ा तो दवाई था, थोड़ा बहुत नाम तो सोचा था दवाई ना,
तो साथियों जिसको अगर चर्म रोग वगैरह एलर्जी वगैरह या कोई भी और तरह की बीमारी हो तो यहाँ पर बाबा जी दवाई देते हैं फ्री। थोड़ा बहुत चार्ज होता है दवाई जो बाहर से मंगाते हैं तो देखो वो थोड़ा बहुत देना पड़ता है आपको। तो आप यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं और यहाँ पे अरदास भी लगा सकते हैं। सभी गाँव वाले की आस्था यहाँ पे दूर दूर से लोग देखो आ रहे हैं। इधर दिखाई कैमरा मैन से कहूँगा इधर एक बार नजर दौड़ाए और दिखाई कितनी मात्रा शक्ति है हमारे साथ ताऊ भाई जो भी हैं फेरी लगा रहे हैं काफी मात्रा में। अच्छा अस्पताल शुरू कर दियो तपस्या के बाद फ्री अस्पताल ये काम लेंगे।